नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्री। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख पत्र कहे जाने वाले ऑर्गेनाइजर के एक लेख से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। 10 जून को छपे एक लेख में नीतीश कुमार के सुशासन की धज्जियां उड़ा दी गई है। इस आर्टिकल में नीतीश सरकार की जमकर तीखे शब्दों में आलोचना की गई है। बिहार की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक सबकी नाकामियों को इस लेख में गिनवाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि संघ के कामों को मानने वाली बीजेपी आज बिहार के मुखिया पर सवाल कैसे खड़े कर सकती है। इसके साथ ही आप देखें तो अभी अभी अग्निपथ मामले पर हुए बवाल में भी बीजेपी और जेडीयू की राहें जुदा जुदा दिख रही हैं। आपको बता दें कि आरएसएस के मुख पत्र ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, रोजगार सृजन सहित कई मामलों पर नीतीश कुमार के कई फैसलों को आंकड़ों के साथ गलत बताया और नाकाम बताया है। पिछले 17 सालों के शासन का जिक्र करते हुए इस मुखपत्र ने नीतीश सरकार की कई विफलताएं भी गिनाई हैं। इसके समर्थन में आंकड़ों का अंबार रख दिया है, फिर चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास का क्षेत्र हो या कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पलायन का, विकास के तकरीबन सभी पैरामीटर पर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बीच भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सह प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कोई प्रोफेसर हैं और इंडिपेंडेंट राइटर्स हैं जिन्होंने बिहार को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है, तो देखिए पॉलिसी डिस्कोर्स में हम क्रिटिसिज्म को या क्रिटिकल अप्रिसिएशन को कैसे कर्व कर सकते हैं। ये पांचजन्य में पब्लिश हुआ है और मुझे लगता है कि बिहार में जो विकास हुआ है वो काफ़ी बेहतर है। 3.2 ग्रोथ रेट से 13.2 ग्रोथ रेट का सफर हमने तय किया है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और कुछ अलग पर्सपेक्टिव से अगर उसको लिखा गया है तो उस पर उसको लेकर के ये पार्टी कॉन्फ्लिक्ट, जेडीयू वर्सेस बीजेपी वाली थॉट प्रोसेस को बहुत तूल नहीं देना चाहिए। तो सुना आपने बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना है, इस लेख को अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिखा गया है तो उसको लेकर दो गठबंधन की जो पार्टी के बीच कॉन्फ्लिक्ट है या भाजपा बनाम जेडीयू जैसी बातें को जो तूल दी गई है वो नहीं देना चाहिए। वहीं इस पर जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का क्या कहना है वो भी सुनिए। बिहार की जनता को भरोसा है नीतीश कुमार जी के चेहरे पर और अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण और हर एक क्षेत्र में समाज के हर एक तबके के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए विशेषकर काम किया है। और यही कारण है ना कि जनता बार बार उन्हें मौका देती है। अब इसके बाद कौन लोग क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, इस बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। नीतीश कुमार जी ने वोटरों की चिंता की है, कभी वोटों की चिंता नहीं की है। लेकिन एक बात जरूर है कि जब भी गठबंधन में हम होते हैं, गठबंधन की सभी पार्टियों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक चीज के लिए होती है। जेडीयू और बीजेपी के बीच लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच ये सब बयान आना एक तरह से लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संजय जायसवाल को लेकर तीखे शब्दों में उन पर टिप्पणी की थी, उसे विरोध की आग जो है वो तेज होती नजर आ रही है। अब आगे देखना ये होगा कि इस पर आगे क्या कुछ रिएक्शन आता है। जो भी होगा बिहार तक आपको अपडेट करता रहेगा। तो बस बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक।